सार्थक की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं आपके चैनल की ओर से आप सभी दर्शकों को अपील करता हूं कि प्लीज़ कुछ कीजिए, क्योंकि इस साल अगर मुझे मेरी होने वाली बीवी मिल जाती है तो अगले साल मिस्टर और मिसेस पोपटलाल आप सबके साथ होली खेलेंगे। आज अगर होली की बात करें तो कैसे, कितनी मस्ती चल रही है आज? ज़बरदस्त मेला लगा हुआ है यहाँ पर सब टीवी की होली का, रंगोत्सव का, और मैं भी इस रंगोत्सव में हिस्सा लेने आया हूँ ताकि मुझे आपकी भाभी अगर मिल जाती है तो मैंने जैसे बताया हम अगले साल होली साथ में खेल पाएंगे। कितने की लड़की पसंद है? अब ऐसा कुछ नहीं रहा, इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ, किसी भी स्टेट की होगी तो चलेगा, बस एक अच्छी सुकन्या होनी चाहिए, ऐसी भाभी होनी चाहिए जो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की और भाभियों के साथ जैसे दूध में शक्कर मिलती है वैसे मिल जाए। भाई कुछ खास नियम हमारे सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी ने रखे हैं कि कलर जो है वो केमिकल वाले नहीं होने चाहिए, नेचुरल कलर से खेलना होगा, और होली खेलते वक्त बुजुर्ग और बच्चों का भी ख्याल रखना है ताकि किसी को लग नहीं जाए, सेफ होली खेलनी है। क्या करूं भाई, आप तो जानते हैं मेरी व्यथा को, इतने सालों से कोशिश कर रहा हूं लेकिन पोपटलाल का घर बस ही नहीं रहा, तो इस उम्मीद में आज यहां पर आया हूं क्योंकि मुझे बताया गया था कि रंगोत्सव में हो सकता है आपको आपकी होने वाली पत्नी मिल जाए, तो मैं ढूंढ रहा हूं मेले में, अगर कोई मिल जाता है तो यहीं शादी करके उसे गोकुलधाम ले जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे पत्रकार भी आए हैं आज तो। हाँ तो चलो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, पत्रकार तो सारे मेरी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वो भी मेरी मदद करेंगे उनकी होने वाली भाभी ढूंढने में। कहीं आपने अपनी फाइल का जिक्र किया किसी से, लड़की से ऑफर किया भी? बातचीत चल रही है, जैसे कोई रिजल्ट निकलेगा मैं आपको बता देगा। सब टीवी के साथ आपकी ये कौन से साल की होली है, कितने साल हो गए जुड़े आप इस शो, हमारे शो को तो ये 7वां साल है, तो जाहिर सी बात है ये 7वीं होली है सब टीवी के साथ हमारी। बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। इस बार जो है ये ज़बरदस्त मेला लगा हुआ है जैसे कि आप सब देख रहे हैं, और अलग अलग भाषा के अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, सुबह से हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मेले में हंसी खुशी के साथ होली मना रहे हैं, और आप सबसे भी गुजारिश है कि आपके मोहल्ले में आपके शहर में इसी तरह होली को मनाइएगा। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे अपने पत्रकारिता के लिए, होली कैसे खेलें? जैसा कि मैंने बताया आप सबको दर्शकों के होली जो है वो बहुत ही सभ्यता से और सेफ होली खेलेगा, रंग उड़ाने में ध्यान रखेगा, नेचुरल कलर से होली खेलेगा, कोई भी केमिकल वाले कलर इस्तेमाल मत कीजिएगा, बच्चों और बुज़ुर्गों का खास ध्यान रखिएगा, और मज़े से खुशी के साथ अपने परिवार, अपने नेबर्स, आस पड़ोस के लोगों के साथ होली का ये पर्व मनाइए। और मेरे प्यारे 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 दर्शकों, आप सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो खूब जम के होली खेल रहा हूँ, जिसमें अभी तक गुलाल नहीं लगाया है लेकिन भिगो भिगो दिया है, आप भी खूब के जम के होली खेलो, लेकिन ध्यान रखना होली अच्छे अच्छे नेचुरल कलर्स के साथ हो ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो, होना मेरे साथ इस मामले में। हैप्पी होली। लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा अपना ये बस प्रोग्राम, और आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि मैंने इसमें बड़े मजे किए, मेरे साथ मेरा गोगी पोता था, मेरी रोशन डार्लिंग थी, मेरी पूरी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम थी, और हमारी पूरी सब टीवी वालों की फैमिली थी, तो इतना मजा आया, इतना मजा आया क्योंकि आप तो जानते हो असली मजा तो सबके साथ आता है। इस साल कुछ खास ही अलग जश्न के साथ होली मनाई जा रही है, काफी बड़ा खास जश्न तो होना ही चाहिए, होली का त्यौहार है जिसमें सारे दिल आपस में मिल जाते हैं, और जब मिल जाते हैं तो दिल खिले जाते हैं, और आपको तो मालूम है जब दिल खिले जाते हैं तो क्या हो जाता है, और मैं बोल देता हूँ सबको आई लव यू, और सारे मुझे बोल देते हैं आई लव यू टू। रंग दे गुलाल मोहे, आई होली आई रे, आई होली आई रे, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं। ओए गाना पसंद आ गया ना, तो भी जम के आप सब लोग होली खेल लो, लेकिन नेचुरल कलर से खुश रहो, मस्ती करो और हंसते रहो और ऐसे ही बोलते रहो हैप्पी होली।